कभी कभार दो लोगों के बीच की तकरार किसी तीसरे बंदे के किस्मत के दरवाजों को खोल देती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच में फाइट्स की खबरें आई और किस्मत के दरवाजे शायद कृष्णा अभिषेक के लिए खुल गए। उसने सपना के किरदार को द कपिल शर्मा शो में इस तरह से शिद्दत से निभाया कि आज वो मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी किरदारों में से एक है और आज द कपिल शर्मा शो की जो भी टीआरपी है उसमें सपना के किरदार का बहुत बड़ा योगदान है। गोली ले लो ठीक हो जाएगा। अरे इनको क्या हुआ? इनका डी सूजा है ना। लेकिन इसमें सिर्फ किस्मत का रोल नहीं था, उसमें कृष्णा अभिषेक के टैलेंट और उसकी मेहनत का भी बराबर योगदान था। इसीलिए कहते हैं गाइस कि किस्मत के दरवाजे बहुतों के लिए खुलते हैं लेकिन बाजी वही मारता है जो इसके लिए तैयार होता है। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है लेकिन एक बंदा ये काम करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। गाइस मैं बात कर रहा हूं कपिल शर्मा की। लेकिन ये काम उसके लिए इतना आसान नहीं था। बचपन में ही उसने कैंसर की वजह से अपने पिताजी को खो दिया था। घर का सारा पैसा पिताजी के इलाज में लग चुका था। उसके पिताजी हेड कांस्टेबल थे, चाहता तो वो उनकी जगह अपनी जॉब ले सकता था लेकिन उसने कॉमेडी के अपने पैशन को फॉलो करने की ठानी। इसके लिए उसने द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया। पहली बार तो वो सेलेक्ट ही नहीं हो सका लेकिन दूसरी बार उसने फिर से कोशिश की और ना सिर्फ इस बार वो सेलेक्ट हुआ बल्कि उसने शो को जीता भी। उसके बाद उसने जिंदगी में कभी पीछे मुड़के नहीं देखा। K9 नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला और उसमें अपने नाम का एक शो शुरू किया और आज वो शो द कपिल शर्मा शो के नाम से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। तो इस कॉमेडी के किंग के लिए एक लाइक तो बनता है।